जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के कांदरबेड़ा में जिला प्रशासन ने एनएच के किनारे चार दुकानों को तोड़ दिया। वैसे यहां की महिला दुकानदार के अनुसार इन्हें तोड़ने के पूर्व नोटिस नहीं दिया गया था। उक्त स्थान पर चार पक्की दुकानें बनी थी। अंचल निरीक्षक एवं पुलिस तैनाती में यहां बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया गया। वैसे अंचल निरीक्षक ने बताया कि यह सरकारी भूमि है और पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था जिसका जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद आज इसे तोड़ा गया है। वहीं यहां मौजूद महिला दुकानदार के अनुसार उन्होंने यह जमीन खरीदी थी और उसमें दुकान चलाकर अपनी जीविका चला रही थी, जिसे आज अचानक प्रशासन ने तोड़ दिया। सर, हम संतोष है और हम लड़ा 3-4 साल लड़ा, उसका बाद हमारा 2 साल अभी जमीन मिला मेरे पास। इतना दिन हम इकने रो रहा, मेरे पास कोई ना नोटिस आया, ना कुछ कागज आया, ना कोई हमको कुछ बोला। आज हमका आया, सब खाली मेरा ही पहले तोड़ा, देखिए बाकी सबके है खाली मेरा ही तोड़ दिया। कितने साल सजा रहता है? हम इकने कम से कम ना लो 7-8 साल है। पहला जमीन आप खरीदे थे? जमीन खरीदे थे सर। किन से खरीदे थे? संतोष से खरीदे थे। कुछ कागज पत्र दिया था? हाँ, कागज पत्र दिया सर। अच्छा, कहाँ संतोष कहाँ का रहने वाला? संतोष रहने वाला मेरा बगल में ही रहता है, डिमना मोड़ में। डिमना मोड़ में तो कैसे तो ये लोग बोल रहा सरकारी जमीन है, आप कैसे खरीद लिए? सर वो तो लिया ये मुटका से, मुटका हमको दिया, उसका लड़की के शादी देना नहीं पाया। हम बहुत कष्ट से, अभी बैंक में लोन भी है सर, हम चुकाए नहीं, हम लोन भी बैंक में चल रहे। 8 महीना साल भर के होने वाला है। वो शिव नाम का आदमी से लिया था 7,000 रुपया कट्ठा जमीन, और उसमें अब गैरेज का एक बनाया हुआ था, गैरेज के लिए अपना गाड़ी भी रखता था। अब आगे वाला जो था वो बहुत पहले से बना हुआ था, तो नोटिस आया था तो जेल में है। नोटिस आया उसमें इसको तो 3 नोटिस दिया गया, वो चपका दिया है लाके। हम लोग के पास आया, हम लोग बोला हम लोग नोटिस इसको लेते हैं, वो चपका के चला गया। तो खबर आ रहा था कि तोड़ेंगे, तो सुबह में हम लोग अपने से हाथ लगा करके तोड़ रहे थे। इसके बाद प्रशासन आया और जेसीबी लेकर के उसको सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि पर विधिवत उसको नोटिस किया गया था। आदमी तो कोई रहता नहीं था, उसके फोन लगा हुआ था, उसी पर हम लोग केस उस लिए विधिवत तो रिपेली केस होता है, रिपेली केस किए उसके बाद। लेकिन घर वालों का कहना है कि कोई इसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, आज अचानक आकर तोड़ दिया गया, इसमें क्या आपका कहना? 3 बार नोटिस होता है, 3-3 बार नोटिस दिया था, किसी ने कोई कागजात नहीं दिखाया। और कागजात कहाँ से दिखाया? सरकारी जमीन है, कागजात तो होगा नहीं किसी, क्योंकि सरकारी जमीन है, कहाँ से कागजात? किसका? वन विभाग का जमीन है कि दिया? सरकारी जमीन है। तो आपने नोटिस पहले दिया था इनको? कितने घरों को तोड़ा गया पूरा? चार दुकान था। ये लोग कितने दिनों से रह रहे थे? न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।